हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं जो बनाने जा रही हूँ ना, वो है पटाटा बड़ा। तो पहले मैं एक कौली बेसन लेती हूँ। ये मैंने एक कौली बेसन ले लिया। अब मैं इसमें एक चम्मच से ऊपर थोड़ा सा, ये 1.5 चम्मच मैंने चावल का आटा ले लिया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच तेल का डालूंगी। बस मैं इसमें थोड़ा सा ही नमक डालूंगी स्वाद के अनुसार। और थोड़ी सी मिर्च, अब मैं इसको इसका गोल तैयार करूंगी। तो थोड़ी सी इसमें अजवाइन डालूंगी, ये पेट के लिए बहुत अच्छी होती है और बेसन में अच्छी भी लगती है पेट। ये जी बहन, इसको अच्छी तरह से जब मैं घोल लेती हूँ। ये देखो, मोटा गोल करना है हमने, इससे ज्यादा पतला नहीं करना है। ये मेरा अब इधर मैंने गोल बनाकर रख लिया है। अब मैं जो करूँ बताती हूँ। अब मैं इसका मसाला तैयार करती हूँ। अब मैंने इसमें कढ़ाई रख ली है और मैं थोड़ा सा तेल 2 चम्मच डालूंगी। बस इतना सा तेल डालूंगी। अब दोस्तों मैं इसमें थोड़ा सा 1/2 चम्मच जीरे का डालूंगी। थोड़ा सा 1/2 चम्मच धनिया है और 1/2 चम्मच मेरे ही राई है, जो सरसों के दाने होते हैं वो मैं इकट्ठे डाल देती हूँ। मैंने अब इसको भून लिया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डालूंगी, थोड़ी सी डालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं। और मैंने पहले बेसन में भी नमक डाला है, अब मैं इसके इसमें भी नमक डालूंगी, वो भी अपने स्वाद के अनुसार। थोड़ा सा ही डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी। मैं हरी मिर्च डालूंगी और अब थोड़ा से प्याज डालूंगी। अब थोड़ा सा मैं इसमें मसाला ऐड करूंगी। जैसे इसमें मटर डालूंगी। अब मैं इसमें जो मैंने आलू उबाल के रखे हैं वो डालूंगी।
देखो दोस्तों कितने बढ़िया मेरे आलू बनके तैयार हो रहे हैं। अब मैं इसमें हरा धनिया डालूंगी। ये सारे मेरे मसाले मिल गए हैं, इसके बीच ये बहुत टेस्टी बनेगा। अब मेरा मसाला भूज गया है, इसको बंद करती हूँ और कढ़ाई से निकाल लूँगी। कढ़ाई से निकाल के इसको ठंडा करने के लिए रखूँगी। ये मैंने निकाल लिया, अब ये ठंडे हो जाएंगे। मैं फिर से गैस जला रही हूँ और मैं इधर इसमें कढ़ाई में घी तेल डालूँगी। हम तेल में डाले बनाएं या रिफाइंड में बनाएं, जिस चीज़ में आपकी मर्जी हो आप बना सकते हो। मैं तो सरसों के तेल में बना रही हूँ। ये इसके ऐसे ऐसे ये देखो, ये मैं इसके ऐसे ऐसे गोले बनाऊंगी। ये मेरे ये बड़े हैं, जो गोंडा बड़े हैं वो तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको फ्राई करूंगी। ये देखो ऐसे ऐसे मैं इनको डाल लूंगी और चिमटे के साथ मैं इसको इसमें डालती जाऊंगी। अब दोस्तों ये देखो मैं अब इसको पलटूंगी। अब मैं इनको ये आस्ता आस्ता पलटती जाऊंगी। ये देखो दोस्तों ये देखो मेरे ये गोल बड़े बनकर तैयार हो गए हैं।
ये दोस्तों देखो मेरे ये अब बनकर दूसरे भी तैयार हो गए हैं। ये देखो दोस्तों ये मेरा गोंडा बड़ा बनकर तैयार हो गया है। ये मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। पहले ये मेरे दोस्तों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, ये पहले आप खाएंगे फिर मैं खाऊंगी। दोस्तों ये आप भी घर पे ट्राई करना बनाना, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये कैसे बने हैं। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। ये देखो कितना बढ़िया बना है, के ऊपर से कितना वो है कड़क, नीचे से बीच में बहुत सॉफ्ट है। अब मैं आपको चटनी के साथ ये खाकर बताती हूँ कि ये कैसे बना है। बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी बने हैं जी। ये चटनी बहुत अच्छी बनी है। ये दोस्तों जरूर ट्राई करना अपने घर। ये महाराष्ट्र की ये डिश है, वो उधर लोग बहुत ज़्यादा है ये चटनी के साथ खाते हैं। आज ये मैंने सब लोग आप लोगों के लिए ही ये ट्राई किया है। बहुत टेस्टी है दोस्तों, बहुत टेस्टी। अब दोस्तों मैंने ये तो बनाकर आपको दिखा दिया। अब आप मुझे शेयर करना, लाइक करना और बेल के का जो बेल आती है वो उसका बटन जरूर दबाना। मेरी आपको अगली रेसिपी जरूर दिखाई देगी। सब्सक्राइब करना मत भूलना, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। नमस्कार।